हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी में, जिसमें कि हमने बात की थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 5M, जिसमें कि हमने ये देखा अमेरिकन इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अनुसार क्या डिफिनेशन थी। और आज हम लोग बात करते हैं मैनी प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन में औद्योगिक इंजीनियरिंग का स्थान क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखा दोस्तों, संगठन की बात करते हैं तो संगठन में औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग का स्थान एवं कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उत्पादन का नियोजन यानी प्लानिंग हो, चाहे उत्पाद की गुणवत्ता यानी क्वालिटी हो, या उत्पाद की बिक्री यानी सेल्स का महत्वपूर्ण का सेल्स का संपूर्ण उत्तरदायित्व औद्योगिक इंजीनियरिंग का विभाग ही होता है। अब इसको हम लोग निम्न चार्ट से समझ सकते हैं, जो कि चार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD, जिन्हें हम लोग बोलते हैं MG, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है। उसके नीचे ही हायरार्की एक फॉलो होती है, जिसमें कि आपका जनरल मार्केटिंग मैनेजर, जनरल फाइनेंस मैनेजर यानी मैनेजर की जो पोस्ट होती है, इसमें जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग के, जनरल मैनेजर क्वालिटी के और जनरल मैनेजर पर्सनल यानी सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD, फिर उसके बाद GM मार्केटिंग के, फाइनेंस के, मैन्युफैक्चरिंग के, क्वालिटी और पर्सनल के। इसको अगर हम लोग देखते हैं फर्दर जनरल आपके मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को, तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑपरेशनल मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर, मटेरियल मैनेजर यानी मैनेजर PPC यानी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल बेस्ड, और इसी तरह से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजर और मेंटेन मैनेजर, ये सारे जो आएंगे वो जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। इसको फर्दर देखते हैं तो ऑपरेटिंग मैनेजर के अंतर्गत आते हैं SUPT सप्लायर 1, 2 और 3। इसी तरह से सुपरविज़र में आपके आते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सुपरवाइज़र प्लांट 1 के, सुपरवाइज़र प्लांट 2 के और सुपरवाइज़र प्लांट 3 के। तो ये हायरार्की रहती है MD, फिर GM फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, पर्सनल, फिर जनरल मैन्युफैक्चरिंग यानी में आता है आपका ऑपरेटिंग मैनेजर, मटेरियल मैनेजर, मैनेजर PPC यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। फिर फर्दर यहाँ पे ऑपरेटिंग मैनेजर को 3 डिपार्टमेंट एंड देयर आर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजर को 3 डिपार्टमेंट में फर्दर डिवाइड किया गया। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपका औद्योगिक प्रबंध को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जाता है, जिसमें जो मुख्य आता है, पहला होता है इसका प्रक्रिया यानी प्रोसेस। प्रबंधन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी प्रयोजन का कार्य रूप में परिणत करना और निरीक्षण करना संभव हो। अर्थात प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, इस यहाँ पे जो बताया गया प्रबंध से तात्पर्य प्रयोजनों का कार्य रूप में परिणत करने की प्रक्रिया से है। दूसरा होता है प्रेरक शक्ति, जो कि प्रबंध प्रयोजन के को पूर्ण रूप को पूर्ण करने की प्रेरक शक्ति है। हपूर के शब्दों की बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी इस बारे में बताया कि जो प्रबंध है वह प्रेरक शक्ति है, जो किसी उद्योग को प्रेरित करती है, उसे एक इकाई में बांधती है और ऐसी दशाएं और संबंध उत्पन्न करती है जिससे उसकी समस्त शक्तियां और सपनों को पूर्ण प्रयोग संभव हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मेन दृष्टिकोण की, जो कि होता है नियोजन, समायोजन और नियंत्रण, जिसमें कि लुंडी के शब्दों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि प्रबंध मुख्य रूप से नियोजन, समायोजन, प्रेरणा देने और विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का नियंत्रण करने का कार्य है। आगे बात करते हैं उत्तरदायित्व की, तो प्रबंध में नियोजन के विभिन्न पहलुओं को और भी स्पष्ट रूप करते हुए ब्रेच ने लिखा है कि प्रबंध किसी औद्योगिक प्रक्रिया के प्रभावशाली नियोजन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है पहला कि योजना में जो लगे रहने को निश्चित करने की उपयुक्त प्रणाली बनाए रखना, दूसरा प्रक्रियाओं को बनाने वाले और चलाने वाले कर्मचारियों का निर्देशन, संकलन और देखभाल करना, और साथ ही साथ इन शब्दों से प्रबंध की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट होती है। आगे बात करते हैं तो इसमें आता है कला, जिसमें कि किम्बल विल्सन और पीटरसन ने अपने पॉइंट्स लिखे हैं। तो कला में किम्बल के अनुसार की बात करते हैं तो व्यापक रूप से प्रबंध
व्यापक रूप से प्रबंध को उपस्थित उद्योगों में मनुष्य और सामग्रियों के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने की कला कहा जाता है। इसी कारण प्रबंध के सभी नियम स्थापित नहीं किए जा सकते, वह बहुत कुछ प्रबंधकर्ता पर निर्भर होता है। कुछ लोग इस कार्य में अन्य लोगों के से अधिक निपुण होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रबंध की कला आती है। इस प्रकार प्रबंधकों का उद्योग में लगाने से औद्योगिक प्रबंध अत्यंत सरल हो जाता है। वास्तव में अगर बात करें तो प्रबंध वस्तुओं में नहीं बल्कि मनुष्यों से संबंधित होता है। काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे देखिए लिखी है कि वास्तव में प्रबंध वस्तुओं से नहीं बल्कि मनुष्यों से संबंधित होता है। अगर बात करते हैं विल्सन के अनुसार, तो विल्सन ने बोला था कि जो प्रबंध वस्तुओं को का निर्देशन नहीं बल्कि मनुष्यों का विकास है। पीटरसन की बात करते हैं तो पीटरसन ने यह कहा कि प्रबंध कार्यों और एक विशिष्ट प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए इन कार्यों को करने वाले मनुष्यों को व्यवस्थित करना और समायोजन करने को कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।